अब अंतिम दौर में है, एक सप्ताह के बाद मतदान है और साथ साथ गुजरात में भी मतदान होना है, क्योंकि आपने बहुत पहले ही घोषणा कर रखी थी कि महाराणा प्रताप सेना चाहे दिल्ली का एमसीडी का चुनाव हो चाहे जो है गुजरात की जो विधानसभा के, दोनों जगह अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाएगा। चूंकि आपने अपने प्रत्याशी उतारे नहीं है, ना आपके संगठन से कोई उतरा है, ऐसी स्थिति में आप किस दल को समर्थन देंगे अपना? देखिए, हमने निर्णय ले रखा है कि हम 2024 में दो सीटें भारतीय जनता पार्टी हमको देगी, हम आश्वस्त हैं पूर्ण रूप से। दिल्ली में एक लोकसभा है, पूर्वी दिल्ली, जहां से मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लड़ूंगा। और एक सीट बिहार में हम लड़ेंगे, जहां से हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी उम्मीदवार होंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि वो तीन लोकसभा हमने उनको बता रखी है, उन तीन लोकसभाओं में बिहार में हमको एक सीट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। अब बात रहती है गुजरात और एमसीडी और हिमाचल, तमाम जगह जो चुनाव हो रहे हैं और जो होंगे। जैसा कि ज्ञात हो कि अभी राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं, 9 लाख सेना के सैनिक राजस्थान में, दिल्ली में भी हमारी 1 लाख की संख्या है। आज हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिमा वर्मा जी के नेतृत्व में हम इनको दिल्ली एमसीडी का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। आज हम दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी को एक पत्र जारी कर समर्थन की बात करेंगे, और जिसमें दर्शाएंगे कि दिल्ली में अगर उनको आवश्यकता है हमारे पदाधिकारियों को, तो उनको लगाने का काम करें। आज मैं स्वयं और हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी बेरवार जी, हमारे संगठन की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा जो है प्रतिभा वर्मा जी के नेतृत्व में एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम करेगी। इसी अवसर पर गुजरात में हमारे भूपेंद्र वर्मा युवा राष्ट्रीय महासचिव, विष्णु चौधरी युवा राष्ट्रीय महासचिव एवं कार्यवाहक महाराणा प्रताप सेना के युवा अध्यक्ष कुलदीप जी को हमने गुजरात चुनाव में लगा रखा है। वह सभी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं। हम पूर्ण आशा और विश्वास के साथ यह बताना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि मुगल आक्रताओं का जो खात्मा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में तय है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वह बहुत ही सराहनीय है। राजवर्धन जी, अगर बात अगर दिल्ली करें या गुजरात करें, जिस तरह से महाराणा प्रताप सेना की भागीदारी या सक्रियता जो काफी बड़ी है और तमाम ऐसे काम है जो आप लोगों ने जनहित में किए हैं, उनका कितना लाभ आप भारतीय जनता पार्टी को दिला पाएंगे? देखिए, 1 लाख सेना के सदस्य दिल्ली प्रदेश में है, चाहे वह उत्तम नगर का इलाका हो, चाहे वह लक्ष्मी नगर का इलाका हो, चाहे वह गांधी नगर का इलाका हो, चाहे वह आपका कृष्णा नगर का इलाका हो, चाहे वह लाजपत नगर का इलाका हो, चाहे वह पटेल नगर का इलाका हो, चाहे वह रोहिणी का इलाका हो, चाहे वह पीतमपुरा का इलाका हो, और चाहे हम बात करें लोटियन जोन की, जिसमें पहाड़गंज आता है और आपका ये आरकेपुरम आता है, तमाम ऐसे इलाके, तो दिल्ली में महाराणा प्रताप सेना कई वर्षों से संघर्ष करने का काम कर रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, और प्रतिभा वर्मा जी के नेतृत्व में महिलाओं की एक बहुत बड़ी टीम की तादाद है हमारे पास। आज हम आदेश गुप्ता जी को पत्र लिखकर ये अवगत कराएंगे, और जो यहाँ के संगठन महामंत्री हैं उनसे हमारी जो है चुनाव प्रभारी मैं बना रहा हूँ, एमसीडी चुनाव का प्रभारी प्रतिभा वर्मा जी को बना रहा हूँ, ताकि ये संगठन के लोगों की बैठक लें और उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात करें। प्रतिमा जी, जिससे थे नगर निगम का चुनाव दिल्ली में, खासकर आप जो है दिल्ली के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, अगर महिलाओं की भागीदारी या उनकी अगर संख्या की बात करें, अपने आप में एक आधी जनता माना जाता है, 50% आबादी है, आप ऐसा क्या कुछ करेंगी कि लोग जो है महाराणा प्रताप सेना को पसंद करें या महाराणा प्रताप सेना के माध्यम से भाजपा को चूज करें या उनको पसंद करें? देखिए, हमारे पहले तो हम भैया को प्रणाम। ये कहना चाहेंगे कि हमारे महिलाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हैं,
सब ये चाहते हैं कि हम ऐसा मतलब कि अपने तरफ से ऐसा प्रचार करें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महिलाएं के लिए होनी चाहिए, जो हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हम वंचित हैं महिलाओं के लिए, हम वो प्रचार करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम MCD में लाना चाहते हैं, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमें उन्नत के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, वो हम प्रचार करना चाहते हैं, हम जताना चाहते हैं महिलाओं को, बताना चाहते हैं ताकि हम उनको महिलाओं को जागरूक करें हम, ताकि जो महिलाओं को अभी इन चीज़ों को नहीं पता है वो चीज़ों को हम जागृत करके हम वो प्रचार करना चाहते हैं। बेरवाल जी, चूंकि आपका महाराणा प्रताप सेना में जो है काफी बड़ा पद, संगठन के आप प्रभारी हैं, जिससे सभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हम 3 सीटें आगामी लोकसभा मांगे, हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय 2024 की बात है, लेकिन अभी चूंकि आप संगठन प्रभारी हैं, संगठन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है, तो जिस तरह से अभी आपके अध्यक्ष बनाए बताया कि हम जो है अभी प्रतिमा जी को प्रभारी बनाए हैं, उसके बाद आदेश गुप्ता जी को पत्र लिखेंगे, दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी करेंगे और भाजपा को सपोर्ट करेंगे, उसी तरह गुजरात के लिए भी उन्होंने कहा गुजरात में भी सपोर्ट करेंगे। महाराणा प्रताप सेना की अगर बात करें, महाराणा प्रताप सेना के नाम पे या सेना, महाराणा प्रताप सेना को मानने वाली संख्या दिनों दिन काफी बढ़ती जा रही है और उसकी संख्या लाखों में है, तो क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से जो है आप क्षेत्र में काम करेंगे, किस तरह से आप जो है भाजपा को समर्थन देंगे? देखिए, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें जो लास्ट में ऐड हुआ है सबका प्रयास, तो सबका प्रयास जो है उस मुद्दे के तहत हम पूरे भारत में मोदी जी का साथ देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गिलहरी प्रयास हो सकता है, चाहे जो भी प्रयास हो, हम लोगों ने यूपी के चुनाव में भी बहुत दमखम के साथ बहुत चढ़ के हमने वहाँ पे योजना बनाई और हमने वहाँ पे बहुत कार्य किया, फलस्वरूप यूपी में जो भी हमने पाया उसमें कहीं न कहीं राणा प्रताप का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जरूर है। उसी चीज को आगे रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी वहाँ पे हम लोग पूरे दमखम के साथ, जोश के साथ हम लोग कार्य करेंगे और सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारे पास नंबर भी है, हमारे पास क्वालिटी भी है, हमारे पास युवाओं का जोश भी है और सब तरह से एक्सपीरियंस्ड लोग हमारे साथ। राजवर्धन जी से मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या दूसरे छोटे छोटे दल भी चुनाव दिल्ली के MCD चुनाव में है, देखा जाए तो गुजरात में भी और हिमाचल में भी है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य मुगल आक्रताओं का खात्मा, हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भगवान परशुराम को जाने, आने वाली पीढ़ी अहिल्याबाई होलकर को जाने, आने वाली पीढ़ी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जाने, आने वाली पीढ़ी महाराणा प्रताप को जाने, और ये सब सुनिश्चित हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को मिनी पाकिस्तान बनाने का काम किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का हम निरंतर समर्थन करते गए तो आने वाले 2025 में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय महाराणा प्रताप सेना के लोग करने का काम करेंगे।